कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रुकावट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कई सवाल किए। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे ड्रेस कोड वाले शिक्षण संस्थानों में ले जाया जा सकता है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या कोई छात्र उस स्कूल में हिजाब पहन सकता है जहां पर ड्रेस कोड निर्धारित किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोल्फ कोर्स और रेस्तरां में भी एक ड्रेस कोड लागू होता है, यहां तक कि कोर्ट रूम के लिए भी एक ड्रेस कोड लागू होता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिजाब को ऐसे स्कूलों में ले जाया जा सकता है जहां पर ड्रेस कोड निर्धारित हो। कोर्ट ने कहा है कि आपके पास धार्मिक अधिकार हो सकता है, क्या आप एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर उस अधिकार को ले जा सकते हैं जहाँ एक यूनिफॉर्म निर्धारित है। जस्टिस गुप्ता ने याचिकाओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से पूछा है कि क्या ड्रेस कोड की अनुपस्थिति छात्रों को कक्षा में कुछ भी पहनने में सक्षम बनाती है, हिजाब प्रतिबंध महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर सकता है। इस तर्क पर उन्होंने कहा है कि राज्य ये नहीं कह रहा कि आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है, बल्कि राज्य ये कह रहा है कि छात्रों के लिए जो यूनिफॉर्म निर्धारित की गई है उसमें आए। 31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के जिला उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब मामला शुरू हुआ था, जहां 6 मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया था। इसके बाद इन लड़कियों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था, जिसके बाद अन्य शहरों में भी यह विवाद फैल गया। बढ़ते मामले को तूल पकड़ता देख कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठक की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट ने कहा कि जो छात्राएं बिना हिजाब के नहीं आ सकती वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास लेने से मना कर दिया था। 2 फरवरी 2022 को एक बार फिर हिजाब विवाद गर्मा गया था। हिंदू छात्र छात्राओं ने हिजाब के विरोध में भगवा रंग का गमछा पहना और कॉलेज का रुख किया था। 8 फरवरी को कर्नाटक में कई जगह पर हिजाब को लेकर झड़प भी हुई थी, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टियर गैस छोड़नी पड़ी थी। शिमोगा में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तिरंगे के पोल पर भगवा झंडा लहरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल हैं। इन याचिकाओं को मार्च में दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल भी पक्ष रख रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 14 मार्च को हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने आगे कहा था कि स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।